Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल इज वेल. सो गाइस, टुडे वीडियो इज अबाउट ड्रेस डिजाइनिंग. व्हाट शुड बी द डिजाइनिंग ऑन ईद? इन द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे. बल्कि ईद पर ही नहीं, हम जो है समर पे किस तरह से लॉन पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, किस ड्रेस को जो है हम रिसेंट डिजाइनिंग पे लाएंगे, किस ड्रेस को जो है हम थोड़ा फैंसी बनाएंगे, इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा. एक डेढ़ मंथ से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी. इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी कि माय मॉम पास्ड अवे. बहुत एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही है. तो सो आई डिड नॉट मेक अ वीडियो और पोस्ट एनी ऑफ द प्रीवियस वीडियो. मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी, ना बना पा रही थी, ना ही इस सदमे से निकल पा रही थी. और मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला हर औलाद के ऊपर उसके माँ बाप का साया हमेशा कायम और दायम रखे. और मैं कहती हूँ जिन जिन की माएँ हैं वो सब अपनी माओं से दुआएं लें और उनकी खिदमत करें, क्योंकि माँ बीमार भी हो, बिस्तर पे भी हो, तो वो करोड़ों की है. करोड़ों की भी नहीं है, बल्कि अनलिमिटेड काउंटिंग नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा उसका सुकून होता है. खैर, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं. तो आज मैं आप लोगों को 4 ड्रेसेस दिखाऊंगी, जिसमें जो है मैंने गले तकरीबन एक जैसे हैं, मतलब फ्रिल वाले गले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि गोल गले पे फ्रिल किस किस स्टाइल में लग सकती है, यानी कि फ्रिल के साथ क्या डिज़ाइन हो सकता है, किस तरह से मोती या पल्स लग सकते हैं. आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी. तो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा. और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो आप लोग तक पहुंच सके. तो चलते हैं अपने फर्स्ट ड्रेस की तरफ. सबसे पहले मैंने नीचे चादर बिछा दी. इसलिए चादर बिछाई कि डिजाइनिंग आप लोग को आराम से नजर आ सके, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पूरी शर्ट जो है नजर आ रही है. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो गले की बात करेंगे. गला जो है हमने बिल्कुल सिंपल गोल गला काटना है. उसमें जो है इसी कपड़े की फ्रिल बना के लगा देनी है. उसके साथ मैंने जो है यहाँ पर किंगरी लगाई हुई है. इसको किंगरी कहते हैं, ये हर शेड्स में होती है. और इसी के साथ स्पेस देके दोबारा किंगरी लगाई हुई है. अच्छा, बीच में जो है मैंने पत्ते और नलकियां लगाई हुई है. ये आपको मार्केट से जहाँ से कढ़ाई का सामान मिलता है ना, वहां से आप लोग को ये मिल जाएंगी. यानी कि इसको मैंने पत्ते और नलकियां इसलिए कहें क्योंकि इनका नाम ही ये पत्ते, और जो इसके अंदर लगी हुई है इसको नलकियां कहते हैं. अच्छा, किंगरी जो है इसको लेस भी कहते हैं, लेकिन अगर किंगरी बोलेंगे तो आप लोग को आराम से जो शॉप वाला है ना वो दे देगा. शर्ट के कपड़े की बात कर लेते हैं. ये लॉन मैसूरी है जो आराम से समर में वेयर कर सकते हैं. अच्छा, मैंने पर भी जो है किंगरी लगाई हुई है. साथ जो है आगे ट्राउजर के कपड़े की जो मैंने कफ बनाई है और उसमें जो है आड़ी करके किंगरी लगाई हुई है. आप लोग जितना चाहें यानी कि इस पे कपड़ा जो है खुला ले सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है कपड़ा खुला रख सकते हैं चुने डालने के लिए. ठीक है, जैसा कि मैं अभी आप लोग को दूसरी स्लीव्स पे दिखा रही हूँ, ये मैंने साइड करके इसलिए रखी थी कि आप लोग को नजर आ सके कि शोल्डर पे मैंने किस तरह से ना जो है इसके चुने डाली हुई है, और जो कफ है ना वहां पर भी मैंने किस तरह से चुने डाली हुई है. जितना मैंने कपड़ा लिया, आप लोग इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना कपड़ा आप लोग के पास उसके हिसाब से ले सकते हैं. अच्छा, चौक दाम पे मैंने डबल स्पेस पे जो है डबल फेरे पे किंगरी लगाई हुई है. अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर भी पत्ते और नलकियां लगा सकते हैं, इससे थोड़ा और फैंसी हो जाएगा. लेकिन मैंने सिर्फ गले पे लगाया क्योंकि मुझे बैक पे डिजाइनिंग करनी थी. बैक की बात करेंगे बाद में. ट्राउजर की बात कर लेते, ट्राउजर पे मैंने सेम कपड़ा लेके जैसे मैंने कफ पर आड़ी करके जो है किंगरी लगाई है, वैसे मैंने आड़ी करके इस पे भी लगाई है ट्राउजर पे. और उसके नीचे जो है फ्यूजन जरूर रखें, ताकि थोड़ा सा जो है ना उसमें जान आ जाए कपड़े में ना. और आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें. अब इसके करते हैं बैक की बात. बैक की डिजाइनिंग अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. मैंने क्या करा, गोल गले पे कट लगाया और उस पे जो है मैंने एक लूप लगा दिया, और साथ जो है किंगरी लगा दी, और एक फैंसी सा बटन ले लिया. इसको बटन या पर्स जो भी है आप लोग जो हो आपके पास वो लगा दिया. मेरे पास गोल्डन कलर का था, और साथ ही मैंने चकोर जो है नीचे एक बॉक्स बनाया और उस पर किंगरी लगा दी, और साथ साथ बीच में स्पेस से जो है मैंने ये पत्ते और नलकियां जो है ज्वाइन करके लगा दी. इससे जो है ना लॉन की कुर्ती पे एक फैंसी सी लुक आ गई है. तो जी, यहाँ पे शर्ट और ट्राउजर की डिजाइनिंग की बात हुई कंप्लीट. इसकी दुपट्टा भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. बहुत ही कलरफुल प्यारा सा दुपट्टा है, टिश्यू का दुपट्टा है ये, और कलरफुल है, तो इसके जो है ना वेयर करने पे बहुत ही हसीन लग रहा था ये आफत. हाँ जी, कैसा लगा आप लोग को फर्स्ट ड्रेस? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा. चलते हैं अपने सेकंड ड्रेस की तरफ.
सेकंड ड्रेस के सबसे पहले रुबट्टे की बात कर लेते हैं। ये मैंने बाजार से रुबट्टा लिया था, अच्छा डाई करवाया था, ये खाड़ी का रुबट्टा था और गेंजा खाड़ी पर। अच्छा इस पे सिल्वर लाइन आई हुई थी और जब मैंने कलर डाई करवाया तो सिल्वर लाइन वैसी रह गई और नेवी ब्लू, तो इससे लुक बड़ी प्यारी आ गई थी। टू पीस जो था मेरे पास ये सूट था, रंग नगर का सूट है आई थिंक ये। और इसके गले की बात करें तो गले पे मैंने सेम वही फ्रिल लगाई है, डीप गला बनाया हुआ था और साथ ही साथ मैंने इस पे पल्स लगाए, एक बड़ा पल्स और एक छोटा पल्स। और इसकी स्लीव्स की बात करें, स्लीव्स पे तो आगे इलास्टिक डली हुई है, सिर्फ चुनो वाली बनाई हुई है। दामन पे जो है मैंने चारों कोनों पर टसल्स लगाए हुए मेहरून कलर के और साथ जो है अंदर मैंने कपड़ा लगाया हुआ। अच्छा यहाँ इस पे जो है शर्ट की मैचिंग का मैंने ग्रीन कलर का सिल्क का जो है कपड़ा लगाया था, पिस्ता कलर का, ठीक है, ताकि और कलर जो थे बहुत डार्क आ रहे थे उससे जो है नजर नहीं आता, इसलिए मैंने ये कलर जो है चूज करा था। साथ ट्राउजर की बात कर लेते तो मैंने अपनी ईद की पिछले जो है मीठी ईद की जो वीडियो डाली थी उसमें ये डिजाइन बनाया था, दोबारा मुझे इस डिजाइन की ऑफर हुई तो मैंने दोबारा इसको ट्राउजर बनाया था, तो मैंने कहा मैं आप लोग को दोबारा जो है रिमाइंड करवा दूं इस ट्राउजर का। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, शर्ट पे इतनी डिजाइनिंग नहीं की क्योंकि ये खुद ही इतनी प्रिंटेड थी। दो ड्रेसेस की बात हो गई कंप्लीट, चलते हैं अपने थर्ड ड्रेस की तरफ। थर्ड ड्रेस की बात कर लेते तो ये थोड़ा सा फैंसी था, इसको मैंने और फैंसी करके सीना था। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा दूं, ये बिनास का सूट है, ठीक है, इसके पीछे जो है इसकी कैटलॉग लगी हुई है सेम एज इट इज, जो यानी कि अंदर से जैसा डिजाइनर से पहना हुआ है ऐसा ही था अंदर से निकला है, बस मैंने इसकी डिजाइनिंग चेंज कर दी। स्विस लॉन का है, फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है। गले की बात कर लेते तो गले पे मैंने क्या करा, ऊपर जो है लेस लगाई हुई है, फिर स्पेस देके दोबारा लेस लगाई हुई है और जो फ्रिल जो है वो मैंने सेकंड लेस के नीचे लगाई हुई है, टिश्यू का कपड़ा है उसकी मैंने फ्रिल बनाई हुई है। अच्छा जो बीच में स्पेस बच गई है उसमें जो है मैंने बारीक वाले पल्स होते हैं वो लगाए हुए, शोल्डर पे भी सेम मैंने चकोर शोल्डर बना के उसमें जो है लेस लगाई हुई है और पीछे जो है कट डाल के एक लूप लगा के बटन लगाया हुआ है। गले की बात हुई कंप्लीट, अब स्लीव्स की बात करते हैं। फ्रंट पे स्लीव्स पे मैंने स्ट्रिप्स लगाई हैं, किस तरह से बना के लगाई, ये जो मैंने दो कपड़ों को ज्वाइन करा येलो और पिंक सिल्क का कपड़ा लेके उसको ज्वाइन करके स्ट्रिप्स लगा दी, ऐसे ही मैंने रुबट्टे के अंदर लगाई हुई। अच्छा मैंने रुबट्टे पे जो है अंदर की तरफ लगाई है, मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ रुबट्टों पे लेस लगाएं तो अंदर की तरफ कपड़ा लगाएं या वैसे लगाएं, उससे जो है ना कहते हैं ना कि चार चांद लग जाते हैं, वैसे ही रुबट्टे पे चार चांद लग जाते हैं। अच्छा इसके दामन की बात कर लेते हैं, दामन पे जो है मैंने अलग से नहीं शर्ट के अंदर ही कटवर्क डिजाइन बनाया हुआ है और इसके साथ मैंने अंदर टिश्यू का कपड़ा लगाया है और उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के लगाया तो इस तरह से हमारी बॉक्सेस का स्टाइल आ गया। और इसी में जो है मैंने ऊपर पल्स लगाए हुए, एक ब्लैक और एक व्हाइट, छोटे छोटे से पल्स लगाए हुए, उसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शर्ट की डिजाइनिंग की बात हो गई, अब हम चलते हैं अपने ट्राउजर की डिजाइनिंग की तरफ। शर्ट में जो है मैं एक्स्ट्रा बॉर्डर दिया हुआ था वो मैंने ट्राउजर पे लगाया है ऊपर और नीचे, बीच में जो है मैंने धागे जो है तीन चार ज्वाइन करके उसकी सिलाई की हुई है और नीचे जो है मैंने एम्ब्रॉयडर्ड वाला बॉर्डर लगाया हुआ। अच्छा ये जो है डिजाइनर से शर्ट पे यानी कि दामन पे लगाया था, मैंने दामन पे नहीं लगाया, मैंने ट्राउजर पे लगा दिया, मुझे ट्राउजर पे ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और इसका रुबट्टा क्रिंकल शेफोन का था, प्रिंटेड बहुत ही खूबसूरत। अब जो आ रहा है हमारा फोर ड्रेस यानी कि लास्ट एंड फोर ड्रेस जिसकी हम बात कर लेते हैं और आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को वीडियो देखते हुए। लास्ट ड्रेस की बात करें तो इसकी लुक पूरी देख लीजिए। अच्छा इसकी शर्ट पे मैंने इतनी ज्यादा डिजाइनिंग नहीं की क्योंकि ये स्विस लॉन का एम्ब्रॉयडर्ड काफी हैवी सूट था, ड्रेस था, तो मैंने क्या करा इसके गले पे फ्रिल लगाई, बोट गला बनाया था इसका और इस पर जो है एक व्हाइट और उसके ऊपर बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा एक रेड कलर का मोती लगाया हुआ है। स्लीव जो है शेफोन की थी इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसके आगे ही मैंने जो फ्रिल लगाई हुई, फ्रिल में हमेशा आप अगर नीचे कपड़ा लगाएंगे तो उससे फ्रिल जो है उठेगी नहीं आपकी। चौकों पे इसके जो है मैंने शलवार का ही वही कपड़ा लेके सिंपल लगाया हुआ अंदर की तरफ। और जो है ये शर्ट की बात हुई, शर्ट के बाद ट्राउजर की बात करते हैं, ट्राउजर पे मैंने हाँ इसकी अच्छे खासी डिजाइनिंग की और बहुत ही प्यारी करी है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने क्या करा इसमें कटवर्क का डिजाइन करा यानी कि जो समोसो वाला हम अंदर करते हैं फ्यूजन लगाकर वैसे ही लगाया और अंदर एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा लेके उसमें पिंटर्स डाल के बारीक बारीक वो लगाया हुआ है साथ। और इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने जो है पल्स और मोती लगाते जैसे मैंने सेम गले पे लगाए थे। और अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है कैसे बना है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को प्रॉपर इसकी वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को ईद की डिजाइनिंग का नहीं बताया हुआ, इस डिजाइनिंग का ही बताया हुआ है किस सूट पे हम किस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।